आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। मेरठ में बारिश के चलते भीकुंड पुल की अप्रोच रोड जो है वो टूट गई है। हस्तिनापुर बिजनौर का संपर्क मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। संपर्क मार्ग टूटने से करीब 40 गांव जो है वो प्रभावित हुए हैं। बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपके सामने। लोगों को दरअसल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल भी पुल की अप्रोच रोड जो है वो बह गई थी। तो ये मेरठ से आपको बता रहे हैं बड़ी जानकारी, जहां पर बारिश के चलते देखिए भीकुंड पुल जो है उसकी अप्रोच रोड जो है वो टूट गई है। हस्तिनापुर बिजनौर का संपर्क जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसके चलते 40 ऐसे गांव हैं जिनका जो है आवाजाही इस सड़क से था, उनका संपर्क अब टूट चुका है। तो पिछले साल भी आपको बताएं कि पुल की अप्रोच रोड जो है वो बह गई थी। तस्वीरें आपके सामने, जिसमें साफ तौर पर जो है बड़ी लापरवाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहली बारिश और जिस तरीके से ये जो पुल टूटा हुआ है, ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से लापरवाही जो इस पुल को बनाने में की गई है। क्योंकि पहले ही बारिश के चलते भीकुंड पुल की अप्रोच रोड जो है वो टूट चुकी है, लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और इससे दरअसल 40 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ की तस्वीरें, जहां पर देखिए पुल टूटने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर शासन की सचेतता को जो है सचेतता को बताता है कि कितनी सचेत शासन है, प्रशासन है। और इसकी तस्वीरें आपके सामने। नहीं देखिए, बिजनौर और जो हस्तिनापुर का जोड़ता है वहाँ पे एक पुल था जिसका विगत वर्ष में अप्रोच रोड करने की वजह से वहाँ पे आवागमन बंद हुआ था। इसमें जो ऑलरेडी एस्टीमेट दिया हुआ था उसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी द्वारा रिवाइज्ड एस्टीमेट भेजा गया था जो पेंडिंग है, जिसमें बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य और जो भी उसका सेफ्टी अप्रिन बाकी चीज़ें हैं वो बनना है। पर इसमें ऑलरेडी परियोजना में विलंब हुआ था, जिसकी एक सतर्कता जाँच चल रही है और विजिलेंस जाँच चलने की वजह से अभी तक उसके रिवाइज एस्टीमेट पास नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो अप्रोच रोड के लिए सुरक्षा का कार्य है वो नहीं हो पाया।